पृथ्वी पर लुढ़कते हुए ढड़कते हुए गिर जाती है। और पुण्य संभार उठी सोलंका, जोर पान कर विनय ससंका। और उठकर भयभीत होकर हनुमान जी महाराज के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, हे प्रभु, मैं आपको पहचान चुकी हूं, मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन कोई वानर आके तुम में एक घूंसा मारेगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ अब हमारे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, तब समझ लेना कि लंका का विध्वंस होने वाला है, लंका का विनाश होने वाला है। और हे प्रभु, मैं अब समझ गई हूँ, विकल होश ते कप के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारे, तात मोर अति पुन्न बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। मेरे बहुत से पुण्यों का उदय हुआ है, जो मैंने भगवान राम के दूत का दर्शन किया है। और कहने लगती है कि जिन भगवान जी के, राम जी के दूत का दर्शन कर लेने के बाद, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लवो सतसंग। भगवान के दूत संत रूपी हनुमान जी महाराज के साथ एक क्षण का जो सत्संग है, उसको तराजू के एक भाग में रख दिया जाए और दूसरे भाग में स्वर्ग का सुख, 14 भुवनों के सुख को भी रख दिया जाए, तो वह ना के बराबर है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, एक तरफ सारे सुखों को रख दिया जाए और एक तरफ हनुमान जी महाराज के साथ मिलने वाले एक क्षण के सत्संग को रख दिया जाए, तो वह सत्संग उस पर भारी है। और इस तरह से लंकनी से कुगति देने के बाद हनुमान जी महाराज प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज कौशल राज श्री राम जी को याद करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं और अंदर जाकर देखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। एक एक भवन, एक एक घर मंदिरों के साथ समान दिव्यता के साथ बना हुआ है, मणियां प्रकाश कर रही हैं और अनेक अनेक योद्धा उनकी रखवाली के लिए लगे हुए हैं। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। और हनुमान जी महाराज अनेक अनेक भवनों को देखते हुए, जहाँ रावण का भवन है वहाँ पहुँच जाते हैं। और अति विचित्र कही जात सुना ही, गोस्वामी जी लिखते हैं कि उसके भवन की जो शोभा है उसको लिखा भी नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना शोभायमान इतना सुंदर उसका भवन है। और हनुमान जी महाराज रावण को सोते हुए देखते हैं और उस भवन में कहीं भी सीता जी नहीं दिखाई देती हैं। और इस तरह देखते हुए फिर देखते हैं, भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। फिर देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर भवन बना हुआ है और हरि भगवान का मंदिर वहां पर अद्भुत भिन्नता के साथ बनाया गया है, दिव्यता के साथ बनाया गया है। और वह दिव्यता क्या है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराय। रामायुध अंकित ग्रह, आयुध किसे कहते हैं, शस्त्रों को। रामायुध
इसका संधि विच्छेद किया जाए तो राम अलग हो जाएगा, आयुध अलग हो जाएगा। तो राम जी के आयुध, राम जी के शस्त्र, यानी राम जी के शस्त्र क्या हैं? धनुष बाण। अब कोई कहता है कि भगवान का नाम लिखा हुआ था, एक तरफ उसने रा लिख रखा था, एक तरफ माँ लिख रखा था, लेकिन उसने ना तो रा लिख रखा था ना माँ लिख रखा था, उसने राम जी के आयुध, राम जी के शस्त्र, एक तरफ धनुष एक तरफ बाण बना रखा था। जो धनुष रा का प्रतीक था और बाण माँ का प्रतीक था, इस तरह उसने राम नाम समझ कर वो उनको वहां अंकित करवा के रखा था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए, और इस तरह से बनाया गया था कि उसको कोई भक्त ही समझ सकता था। नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपीराय, और वहां तुलसी जी का एक सुंदर मनोरम वृक्ष पौधा लगा हुआ है, और उसको देखकर हनुमान जी महाराज अत्यंत हर्षित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये निश्चरों की खान है, यहाँ तो राक्षस ही राक्षस रहते हैं, फिर यहाँ कोई संत कैसे रह सकता है जो कि भगवान को जपता है। मन महु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी के महाराज के मन में ऐसा चल ही रहा है, ऐसा सोच ही रहे हैं कि उसी समय विभीषण की नींद खुल जाती है, और जैसे ही नींद खुलती है, राम राम तह सुमरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। और जैसे ही विभीषण ने राम 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 कह के उच्चारण किया, विभीषण जी महाराज को सुना, तो हनुमान जी महाराज सोचने लगते हैं कि यही कोई सज्जन है जो भगवान का भक्त इस लंकापुरी में रहता है। यही सन हट कर हों पहचानी, साधुते हो ये न कारज हानी। और इसीलिए मैं संत से जाकर, इस भक्त से जाकर मिलता हूँ, भेंट करता हूँ। और संत कहते हैं, भक्त कहते हैं कि संतों से मिलने पर कभी का आपके कार्य में हानि नहीं हो सकती। आपको कभी किसी कार्य के लिए जाना हो, संत से मिलकर जाना हो, तो अवश्य ही संत से मिल के जाइए, क्योंकि यदि आप संत से मिलेंगे तो आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। और ऐसा सोचकर हनुमान जी महाराज विभीषण से मिलने के लिए विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहां आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज विभीषण के पास पहुंचते हैं और विभीषण को प्रणाम करते हैं। विभीषण जैसे ही भगवान का नाम सुनते हैं, हनुमान जी महाराज ने राम राम कह के उनको प्रणाम किया है। बोलो सियावर राम चंद्र भगवान की जय। विभीषण महाराज आकर प्रणाम करते हैं और हनुमान जी से उनकी कुशलता पूछते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति हो। जय हो। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयव मोह करण बड़ भागी। आपके आप कोई हरि के दास हैं, भगवान के भक्त लगते हैं, आपको देखकर मेरे मन में, मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो रहा है, आप कौन हैं आप बताइए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन,
मगन सुमर गुण ग्राम। तब हनुमान जी महाराज अपना नाम लेकर श्री राम जी महाराज की सारी कथा कह सुनाते हैं। और जैसे ही राम जी महाराज का जिक्र होता है तो विभीषण महाराज अत्यंत पुलकित आनंदित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही।